इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम पता करें कि मैंने अपने मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है यानी कि डाउनलोड कर रखा है उनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि वायरस है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है। क्योंकि मैंने आपको कई बार वीडियो में बता भी रखा है कि अगर आप कोई अननोन एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर आपके थ्रू इंस्टॉल करवाया जाता है या कोई हैकर्स इंस्टॉल कर देता है जिसमें वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर पाया गया, तो वैसे में वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन को क्षतिग्रस्त कर सकता है यानी कि आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकता है, आपका डाटा लीक कर सकता है, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप इन पांचों टिप्स को फॉलो करते हो तो आप आसानी पूर्वक पता कर पाएंगे कि आपके मोबाइल फोन में कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर है और साथ ही खुद को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं यानी कि मोबाइल फोन को सेफ रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपका मोबाइल फोन एप्लीकेशन की वजह से हैक ना हो। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले स्टेप में आपको ये चेक करना है कि आपने अपने मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है वो सारे एप्लीकेशन न्यू वर्जन में अपडेटेड हैं या फिर नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल प्ले स्टोर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको चेक करना है अपडेट्स अवेलेबल पर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि न्यू वर्जन में अपडेटेड नहीं है, फिलहाल उसका अपडेट आया हुआ है तो आप यहाँ पर से अपडेट कर लीजिए। सिंपल जैसे व्हाट्सएप का आया हुआ है, व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। मतलब कि जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको आप न्यू वर्जन में अपडेट करके रखिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है पहले से और उसमें कोई बग या फिर कोई इशू आ गया, किसी भी प्रकार का वायरस आ गया, तो अगले न्यू वर्जन में उसे अपडेट कर दिया जाता है, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां से अपडेट कर लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है। उसके बाद अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। देखिए दूसरा जो स्टेप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे यूजर्स इसको नजरअंदाज कर देते हैं जिस वजह से आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है इसमें आपको करना क्या है, कई बार क्या होता है गूगल क्या करती है प्ले स्टोर से काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें वायरस, मालवेयर या फिर इलीगल एप्लीकेशंस होते हैं उसको रिमूव करते रहती है गूगल। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता, आप क्या करते हो पहले से उसे डाउनलोड करके रखे हुए हैं और आप चेक नहीं करते हैं कि वह एप्लीकेशन अभी भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या नहीं। आपने इंस्टॉल तो कर रखा है लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आप जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं वह प्ले स्टोर पर अब है ही नहीं। ठीक है, गूगल उसे रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि उसमें वायरस पाया गया, मालवेयर पाया गया, स्पाईवेयर पाया गया, मतलब आपके मोबाइल फोन को वो ट्रैक कर रही है या फिर हैक कर रखी है। तो बाद में जब तक आपको पता चलता है तब तक तो आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका होता है और आपका सारा डाटा लीक हो चुका होता है। तो आप जिस भी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर रखा है आप टाइम टू टाइम ये चेक करते रहिए कि वह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, चेक करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करके उस एप्लीकेशन को देख लेना है जो एप्लीकेशन पर आपको डाउट लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ Xiaomi, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ Xiaomi, तो यह अभी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि गूगल टाइम टू टाइम कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करती रहती है क्योंकि उसमें वायरस, मालवेयर पाया जाता है इस वजह से। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर वह एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता जो आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल फोन में, तो आपको सख्त जरूरत है कि आप उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपने कोई ईमेल आईडी से साइन इन कर रखा है तो ईमेल आईडी को आउट कर दीजिए, सारे परमिशन को डोंट अलाउ कर दीजिए, उसके बाद उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, इससे आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप तो आपको यही फॉलो करना है। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। देखिए तीसरा जो स्टेप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और जानना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा कि आप जब मोबाइल फोन नया परचेज करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलती, और जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर भी आपको व्हाट्सएप में एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप कुछ भी करते हैं अपने मोबाइल फोन में तो तरह तरह के अनवांटेड एड्स दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब
कि एक एक क्लिक पर एक एक एड्स दिखाना शुरू कर दिया आपका मोबाइल फोन, तो आपको जरूरी है कि उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको तरह तरह के एड्स दिखाने लगे हैं, ठीक है ना, तो उस एप्लीकेशन को फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि एड्स की वजह से भी आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा। और मोबाइल में आने वाले एड्स को हमेशा के लिए कैसे बंद करें, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, थर्ड स्टेप आपको यही करना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद तरह तरह के एड्स दिखाए जाने लगे, तो आप फटाफट उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। देखिए, चौथा जो स्टेप है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल फोन में हीटिंग इशू आ गई है, या फिर हैंगिंग की इशू आ गई है, या फिर आपका मोबाइल फोन स्लो वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे में आप ये समझ जाइए कि आपके मोबाइल फोन में कोई ना कोई ऐसा तो एप्लीकेशन है जिसमें कि वायरस है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है, और वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में रन कर रही है, अपना काम कर रही है, आपका पर्सनल डाटा लीक कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी उस किसी भी प्रकार का कोई भी मशीन ले लीजिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लीजिए, उसमें तभी हीटिंग इशू आती है जब वह बैकग्राउंड में काम कर रहा हो। तो आप अगर मोबाइल फोन रखे हुए हैं तो भी आपके मोबाइल फोन को हीट कर रहा है या फिर आपका मोबाइल फोन हैंग कर रहा है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि कोई तो ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है, आपका पर्सनल डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है। तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जो मेरा डाटा इधर से उधर लीक कर रहा है। अगर आपको डाउट लगता है तो फटाफट उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद लास्ट एक और आपको सिम्टम्स मैं आपको बता दूं। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, या फिर पहले से आपने इंस्टॉल कर रखा हो, या अभी आपने इंस्टॉल किया हो, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, आपका मोबाइल फोन अजीबो गरीब हरकत करने लगे। अजीबो गरीब का मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाता है, या फिर कोई ब्राउजर ओपन हो जाता है, कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, आप कुछ कर भी नहीं रहे उसके बावजूद भी, ठीक है ना। या फिर अगर आप ओपन कर रहे हैं कैमरा, तो वहां पर आपके मोबाइल फोन में कोई थर्ड एप्लीकेशन जैसे अमेजोन ओपन हो जाता है, अमेजोन ओपन कर रहे हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है, मतलब कि आप कमांड कुछ और दे रहे हैं और आपका मोबाइल फोन कुछ और तरह काम कर रहा है। तो अजीबो गरीब अगर काम कर रहा है, ऑटोमेटिक कुछ सर्च हो रहा है गूगल पर, या फिर YouTube ओपन हो जा रहा है, WhatsApp ओपन हो रहा है, ऑटोमेटिक किसी को मैसेज जा रहा है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन तो है जो बैकग्राउंड में आपके मोबाइल फोन को सीधी तरह से, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, और दूर बैठा हैकर उन सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। तो आप सबसे पहले ये पांचों तरीकों को सही तरीके से फॉलो कर लीजिए, और अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन आपको लगता है तो आप फटाफट उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने डिवाइस से, ठीक है। पांच तरीका फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपका मोबाइल फोन सही तरीके से काम ना करे, तो लास्ट में एक और ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल फोन को फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी अनवांटेड एप्स होंगे, जिसमें वायरस मालवेयर होंगे, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद भूल से भी आप वैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करना जो आपके लिए अननोन हो, जिस पर आपको 1% का ट्रस्ट ना हो, या फिर किसी दोस्त ने आपको किसी एप्लीकेशन का लिंक भेजा हो। आप कभी भी बिना जांचे परखे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करना, या किसी एड्स पर क्लिक मत करना, वरना फिर से वही सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। वैसे मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।